स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन यानी 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर इस्लाम धर्म के बारे में विवेकानंद जी के विचार आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। भारत के इस महान दार्शनिक ने अपने दर्शन में कहा है कि यदि वेद का मस्तिष्क और कुरान का शरीर एक साथ जोड़कर तीसरी शक्ति बनाई जाए तो वह शक्ति विश्व गुरु होगी और विश्व शक्ति होगी जो आदिकाल में थी और भविष्य में पुनर्स्थापित होगी। वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु एक स्थान पर इस्लाम के अंतिम पैगंबर के बारे में कहते हैं, आप कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के धर्म में अच्छा क्या है, लेकिन याद रखिए, जो अच्छा होता है केवल वही काल की विनाशक शक्ति को मात देता है, बाकी सब कुछ काल का ग्रास हो जाए पर यह बरकरार रहता है और हमेशा रहता है, क्योंकि ताकत होती है पवित्रता में, सदाचरण में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समानता के आचार्य थे, मानव जाति में बंधु भाव के प्रचारक थे, भ्रातृभाव यानी बंधुता के अग्नि मंत्र के दीक्षा गुरु थे। तो ये थे इस्लाम से संबंधित स्वामी जी के विचार। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए हमें दें इजाजत। धन्यवाद।